Welcome to my YouTube channel MKS Mathematics. इस वीडियो में मैं 195 डिग्री का एंगल बनाकर दिखाने जा रहा हूँ कंपास की सहायता से। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, और इसके एंड पॉइंट पे कंपास से एक आर्क लगाना है सेमी सर्कल से बड़ा, और इस पे इससे पहला कट लगाइए 60 डिग्री, फिर दूसरा कट लगाना है 120 डिग्री, फिर तीसरा कट लगाना है ये 180 डिग्री होगा, और फिर एक और कट लगाना है जो 240 डिग्री का होगा। अब 180 और 240 डिग्री के बीच के कट को बाइसेक्ट करना है। इसको डॉटेड रखेंगे, ये 60 डिग्री का आर्क था, ये 120, 180 और ये 240 डिग्री का कट था। तो इस दोनों के बीच के एंगल को हमने डिवाइड कर लिया जिससे ये 30 डिग्री 180 प्लस 30 डिग्री हो गया। अब इस 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है जिससे ये 15 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। आर्क को थोड़ा पहले से छोटा कर लिया, एक बार 180 और एक बार 210 डिग्री पे रखकर कट करना है। 210 डिग्री ये था। अब इस दोनों पॉइंट को, इस सेंटर को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो ये आपका एंगल 195 डिग्री का बनकर तैयार हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।